हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स के सोर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिनाटान, बा जिसको सुक्रा बोला जाता है। देखिए, ये बहुत सारे इंटरनल बैक्टीरिया के कारण, वायरल के कारण भी हो सकता है। बार्स आकर बहुत ही वीक है, इम्यूनिटी डाउन पे है, या उसका जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ही से उससे न्यूट्रिशन उसका लीवर या इंटेस्टाइन रिसीव नहीं कर पा रहे, तभी जाके ये सूखा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग भी कुछ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, तो हम लोग के शरीर का जो फैट पोर्शन है वहाँ से शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा पैदा होगा। वैसे ही बार्स का जो फैट बोलिए या कुछ भी बोलिए, यहाँ पर होता है तो वहाँ से निकल जाता है। तो कभी कभी डीवॉर्मिंग सही ना होने के चलते भी हो सकता है। तो इसीलिए डीवॉर्म मतलब का बार्स का सूखा महसूस कर रहे हो, कोई भी बार्स एक फुट डालिए, एक फुट के साथ ऑयल या सॉफ्ट फूड के प्रॉपर डालिए। सॉफ्ट फूड के साथ इसके टाइम पे फैट एंड कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। हम सीड्स के बारे में नहीं बोल रहे, स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए भर में उस पर। और एक चीज़, स्प्राउट फूड हो या ब्रोकोली हो या गेहूं हो, ये सारे चीज़ में जिस फूड में ज़्यादा फाइबर हो उस खाना को ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि फाइबर खुद डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं और डाइजेशन होने में मदद करते हैं। तो इसीलिए बोल सकते हो डाइजेशन सिस्टम का एक दोस्त होता है फाइबर, न्यूट्रिशन। तो इसीलिए फाइबर रूप मतलब उपयोग खाना आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। एक में भी फाइबर होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम का सोर्स होता है, विटामिन का, फैट का भी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत फैट खाना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए सफ़ेद ऑयल, कोई एक किस्म का ऑयल, नहीं तो राइस ब्रैन, सनफ्लावर, सोयाबीन, नहीं तो सभी को मिला के भी प्रोवाइड कर सकते हो। होम्योपैथिक में दो मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तो है, इस टाइम पे लीवर का मेडिसिन ज़रूर डालिए, जैसे कालमेघ या आपका चिलिडोनियम। अदरवाइज आपको लीवर एक साइड में चलेगा और उसके साइड बाई साइड चलेगा एविना सैटाइवा मादर और उसके साथ अश्वगंधा मादर, नहीं तो अल्फा अल्फा मादर, नहीं तो उसके साथ एविना सैटाइवा मादर। तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ कीजिए। फिर बोल रही हूँ, छोटा सा टाइम है, एविना सैटाइवा मादर प्लस अल्फा अल्फा मादर, नहीं तो एविना सैटाइवा मादर प्लस अश्वगंधा मादर, ठीक है। ये दोनों मेडिसिन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। देखिएगा 15 डेज के भीतर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी स्टेज में आ रहा है। दिन में दो बार करके आपको डोजेस को कंप्लीट करना है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन नॉलेजेबल था, आप लोगों को बहुत काम पे आएगा। इस विस्तारित रूप से जानने के लिए शांतनु बार्स के चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।